मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने डीटीओ कर्मी को मारी गोली। घात लगाए बैठे बदमाशों ने डीटीओ कर्मी पर अंधाधुंध फायरिंग की, घायल कर बाइक लेकर हुए फरार। नवादा में सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। ट्रैक्टर को छोड़कर चालक भागने में रहा सफल। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़। पारा मेडिकल के परीक्षार्थियों ने आधा दर्जन ट्रेनों पर जमा लिया कब्जा। हुटी की दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, समस्तीपुर के थे छात्र। आधा दर्जन ताला काटकर 13 लाख की संपत्ति चोरी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों ने उद्योग विभाग से रिटायर्ड सहायक मैनेजर के घर को किया साफ। 6 गोदरेज को भी किया क्षतिग्रस्त। भागलपुर में अवैध हथियारों के साथ मुंगेर का तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ की घेराबंदी से मिली सफलता। 12 अर्धनिर्मित पिस्तौल और बैरल के साथ मोबाइल जब्त। मधुबनी में आग लगने से वृद्ध की मौत। खाद की दुकान में आग लगने से 65 वर्षीय व्यक्ति की गई जान। सरकारी विभाग के गोदाम में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। बगहा के जल संसाधन विभाग के गोदाम में लगी आग, 2 किलोमीटर तक उठता रहा धुआं। अग्निशमन दल के काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। पंडाल की अनुमति के लिए पूजा कमेटी के सदस्यों को देना होगा वैक्सीनेशन का प्रमाण। बिना अनुमति लगा पंडाल या मेला तो आयोजक को होगी जेल। अब पुलिस को देना होगा शादी का निमंत्रण। शादी से 3 दिन पहले थाना पर जाकर बताना होगा डेट। आयोजन की देनी होगी पूरी जानकारी। सीतामढ़ी के अमित ने वियतनाम में गाड़ा झंडा। 23 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़। अमित ने स्टार्टअप व्हील 2021 इंटरनेशनल ट्रैक में बनाई जगह। जातीय जनगणना पर बीजेपी के बदलते बयान। बिहार के बाद झारखंड के प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी शामिल। सुशील मोदी ने कहा जनगणना संभव नहीं, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया। महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने किया NH-83 जाम। जहानाबाद में किसान बिल महंगाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया। वाहनों की लगी लंबी जाम। पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना आज भी जारी। 109 पंचायतों में बनी गांव की सरकार। बचे प्रखंडों की चल रही काउंटिंग। मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़। बिहार से देश में कोरोना का बड़ा खतरा। RT-PCR की फर्जी जांच रिपोर्ट देने वाला गिरोह बनाएगा कोरोना का नेटवर्क। एयरपोर्ट अथॉरिटी के खुलासे के बाद हड़कंप। सीतामढ़ी में RTPS काउंटर का सर्वर डाउन, लौट रहे आवेदक। पिछले 1 सप्ताह से चल रहा सर्वर का प्रॉब्लम। काम कराने के लिए देने पड़ते हैं अवैध रुपए।